हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमिताज किचन। कुछ मीठा कुछ नमकीन। आज मैं आपके लिए चिली पनीर की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। आइए सबसे पहले हम उसको दिखा देते हैं कि जैसे मैंने ये 200 ग्राम्स पनीर लिया हुआ है, हम इसको टाइप ऑफ इसको इसमें ये देखिए मैरिनेट ही करेंगे। ये मैंने देखिए इस टाइप से क्यूब्स काट लिए हैं छोटे छोटे, और इसके में क्यूब्स में इसमें मैंने कुछ नहीं, ये देखिए गार्लिक और ग्रीन चिलीज है बीच में, थोड़ा सा पेस्ट है, थोड़ा सा ये डाल देंगे। एक्चुअली हम इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, पर थोड़ा सा मैरिनेट करने से हो जाता है कि पनीर जब हम खाते हैं तो अंदर से थोड़ा सा फीका फीका साउंड कर वो आता है उसका टेस्ट। और थोड़ा सा सॉल्ट एंड थोड़ा सा पेपर डाल देंगे, इसको ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा सा डालना है इसको। उसके बाद हम इसमें ये देखिए हमने थोड़ा सा ये मैदा है, थोड़ा सा मैदा इसमें, ज़्यादा नहीं डालना, इस पर स्प्रिंकल करके इसको मिक्स कर देंगे। बस इस टाइप से ध्यान रखेंगे पनीर टूटे नहीं, बस इस तरीके से करके। तो ये थोड़ा सा मैरिनेशन का ये ज़्यादा नहीं करना हमें, बस आप इसको 5-10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, जिससे कि ये होता है कि थोड़ा रस जाता है इसमें, स्पाइसेस ये गार्लिक का फ्लेवर आ जाता है, सॉल्ट एंड पेपर का फ्लेवर आ जाता है अंदर तक, अंदर से पनीर फीका नहीं लगता है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अब इसके बाद हमने इसको फ्राई करना है, इसको 10 मिनट मैरिनेट होने देते हैं हम लोग। यहाँ पे पनीर मैरिनेट करने मैंने रख दिया, तब तक हम इसको टाइम को यूटिलाइज करके इसका हम बैटर बना लेते हैं। इसमें ये देखिए ये मैदा है, तो मैदे और कॉर्नफ्लावर का रेशियो ये रखना है 2:1। तो जैसे ये मैंने बड़े 2 बड़े टेबल स्पून मैंने ये मैदा ले लिया है, और ये मेरा 1 टेबल स्पून मैंने मेजरमेंट से ही रखा हुआ था ये कॉर्न स्टार्च हो गया। अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा सा, लम्स ना बने इसमें। ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको इसका बैटर बना लेना है, बहुत पतला भी नहीं और बहुत थिक भी नहीं। इधर मैंने देखिए गैस ऑन कर दी है, उसको फ्राई करना है हमें पनीर को। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ये रहनी चाहिए, बहुत बिल्कुल पानी की तरह बहे भी नहीं और बहुत थिक भी नहीं होना है। अब ये हमारा हो गया अच्छे से, देखिए इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं, मैंने अच्छे से कर लिया है। अब इस टाइम पे इसमें मैं थोड़ा सा गार्लिक डालूंगी, इसमें भी थोड़ा सा, तो थोड़ी सी ये इसमें मैं ये डालूंगी। ये देखिए रेड चिली सॉस है, ये अराउंड 1 टीस्पून, बस ज़्यादा नहीं डालना, ये थोड़ा सा उसमें अच्छे से कोटिंग में भी एक फ्लेवर आ जाए। ये देखिए, और इसमें बस डालेगा सॉल्ट, जिससे कि ऊपर से वो फीका ना लगे, और थोड़ी सी पेपर। ये देखिए बस ये हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब हमारा पनीर मैरिनेट हुए भी 10-12 मिनट हो गए, तो अब हम इनको डीप फ्राई करेंगे। हम ये पैन ऑन कर लेते हैं ये इसको फ्राई करने के लिए। थोड़ा सा मेरा पहले मैंने अभी ऑफ कर दिया, गरम किया था मैंने इसको चेक करने के लिए। ये देखिए ऊपर आना चाहिए, अभी ये मेरा पूरा हुआ नहीं, मैं इसको थोड़ा सा और गरम कर लेती हूँ। देखिए अभी हमारा हो गया है, ऑयल गरम हो गया है, अब हम इसको डीप फ्राई कर लेंगे। एक डाल के देख लेते हैं, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट गर्म हो गए। अब हम इसको इसमें थोड़े से शिफ्ट कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे ही करेंगे डीप फ्राई, क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम पे करेंगे एकदम से बाहर से तो पक जाएंगे, अंदर से नहीं हो पाएंगे, कच्चा कच्चा रहेगा। देखिए अब इसकी एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, अगर आप बना रहे हैं और आपको तुरंत उसी समय विद इन हाफ एन आवर आपको खाना है ये, तो आप इसको एक ही बार में पूरा कर लीजिए। और अदरवाइज अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी देर बना के रखना है आपको, तो हम हाफ डन जैसे ही होगा हम उसको निकाल लेंगे, और उसके बाद 5-10 मिनट बाहर रख के रीफ्राई करेंगे उसको, तो उससे ये हो जाता है कि वो क्रिस्प काफ़ी देर तक रहता है पनीर। तो आप जैसा कर रहे हैं, अगर आपको इंस्टेंट उसी समय खाना है तो आप पूरा फ्राई कर लीजिएगा,
और अगर आपको ज़्यादा देर तक उसको क्रिस्प रखना है तो हम इसको दोबारा निकाल के 5-10 मिनट इसको बाहर रख के फिर डीप फ्राई करेंगे इसको। देखिए हम तो हाफ डन में निकाल रहे हैं क्योंकि हमने थोड़ी देर बाद खाना है, तो हम इसको हाफ डन में निकाल रहे हैं। थोड़ा सा क्रिस्पी पसंद है, तो ये देखिए लगभग हो गया है हमारा ये हाफ डन। तो अब इस समय ऐसे टाइम पे हम इसको यहाँ निकाल लेंगे सारा, हम इसमें ऑयल सारा निकल जाए हमारा, इसको सारा निकाल के रख देंगे। और इसके बाद जब तक हम ये ठंडा होगा हम इसकी ग्रेवी बना लेते हैं। देखिए हमने पनीर हाफ फ्राई करके रख दिया था, अब दोबारा उसको रीफ्राई करेंगे, तब तक हम इसकी सॉस बना लेते हैं। देखिए सॉस बनाने के लिए मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हुए हैं, अब इस टाइप से शेप में काटे हुए छोटे छोटे, और इसी तरह शिमला मिर्च ली हुई है, और देखिए छोटी छोटी सी एक हाफ बेल पेपर ली हुई है मैंने। ये सब ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, कैप्सिकम और प्याज से भी काम चल जाएगा। और इसको ये गार्लिक है, ये अराउंड 1.5 टीस्पून समझ लीजिए आपको लगेगा, थोड़ा सा एक छोटा सा टुकड़ा। ये जिंजर मैंने छोटा छोटा फाइनली चॉप्ड है। ये टोमेटो केचप है अराउंड 2 स्पून है, और ये शेजवान चटनी है अराउंड 1 टेबल स्पून, सोया सॉस है अराउंड 1 स्पून ली हुई है टी स्पून, और ये रेड चिली सॉस है ये भी 1.5। अब तीनों सॉसेज मैंने सेम ली हुई है 1.5 टी स्पून। अब इसी तरह मैं इसमें ये डालूंगी, ऑयल डालूंगी अराउंड, मैंने इसको 2 टेबल स्पून लिया हुआ था ऑयल। अब इसमें हमने डालना है ये अनियंस, और ये देखिए मैंने बीच में ये देखिए छुप गई थी ग्रीन चिलीज, 2 ग्रीन चिलीज लंबी लंबी 2-3 काटी हुई हैं लंबी लंबी। अब हमने सारी सबको एक साथ इसमें डाल देंगे, और साथ में ये साइड में देखिए ऑयल में मैं ये जिंजर है कटा हुआ, और ये थोड़ा सा ये देखिए ये गार्लिक भी है अराउंड 1 टीस्पून इसमें हम डाल लेते हैं। या तो पहले डाल लीजिए, ऐसे सॉटे कर लीजिए साइड में डाल के, थोड़ा सा इनको डार्क तो नहीं करना है, अब साथ में अब इसको सब डाल के, अब हमने ये ध्यान रखना है कि ये भी कोई भी ना प्याज ज़्यादा नहीं करना है इसको, बस 2 मिनट आप हिलाते रहिए इसको अच्छे से, 2 मिनट ऑयल में इसको ये सॉटे कर लेंगे सब चीज़ों को। ये देखिए मैंने पूरा 2 मिनट इनको कर लिया हाई फ्लेम पे सॉटे अच्छे से, अब इस टाइम भी हम इसको थोड़ा सा स्लो फ्लेम पे कर देंगे, और इसमें हमने डालना है सॉल्ट बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, इस वेजिटेबल जितनी डाली है उसी हिसाब से डालना है, क्योंकि ऑलरेडी हम पनीर में भी डाल चुके हैं, और सोया सॉस डालेंगे, सॉसेस वगैरह सब में सॉल्ट होता है, और ये ब्लैक पेपर डाल देंगे टू टेस्ट, और उसके बाद हम ये डाल देंगे सारी सॉसेस। ये देखिए सारी एक करके इसको जरा से सॉटे कर लेते हैं। ये देखिए हमने डाल दिया ये टोमेटो केचप, कई लोग इस पर शुगर भी डालते हैं, तो अब हमने टोमेटो केचप यूज़ करी है तो इसलिए अब हम शुगर नहीं डालेंगे। थोड़ा ये मैं ड्राई चिली पनीर बता रही हूँ आपको, अब ये डाल दी, अब थोड़ी सी ये देखिए शेजवान चटनी डाल दूँगी इसमें, ये रेड चिली सॉस डाल देंगे, और ये बची ये देखिए सोया सॉस, इसको अच्छे से फिर 1 मिनट हाई फ्लेम पे हाई फ्लेम पे अच्छे से सॉटे कर लेंगे, जिससे सारी सॉसेस सब कुछ अच्छे से सॉल्ट पेपर सब इसमें मिक्स हो जाए। अब उधर हम उसके बाद हम गैस ऑन करके पनीर भी रखा हुआ टाइम हो गया, हम उसको रीफ्राई कर लेते हैं। देखिए ऑयल गर्म हो गया, हमें इसे रीफ्राई करना है, पर एक बात ध्यान रखनी है कि इसको आपकी रीफ्राई हाई फ्लेम पे करना है, क्योंकि फटाफट बाहर से स्किन क्रिस्प हो जाए इसकी। और बाकी ये तो सॉस तो हो ही गई थी, इसको हमने साइड में रख दिया। अब हमने पनीर को फ्राई करके हाई फ्लेम पे इसको हमने उसमें में सॉस में डालना है। एक बार अच्छे से हो जाए, थोड़ा सा पिंकिश ब्राउन जो हो जाता है हल्का सा,
आपके पास, उसको हम निकाल के हम इसके सॉस में इसको डाल देंगे। ये देखिए हमारा, ये देखिए ये हो गए हैं। अब इसको हम गैस ऑफ कर देंगे और इनको हम निकाल देंगे सबको। ये मैं ड्राई चिली पनीर बना रही हूँ, इसको एज अ स्नैक भी आप खा सकते हैं और हक्का नूडल्स के साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है, ड्राई चिली पनीर। अब जैसे चाहें इसको खा सकते हैं। ये देखिए हमारे फ्राई हो गए थे और मैंने इनको निकाल लिया है, बिल्कुल परफेक्ट हो गए फ्राई। अब इस समय देखिए सॉस के नीचे मैंने गैस ऑन कर दी थी, अब हम इसमें ये मिक्स कर देते हैं सारे और इसको इसे मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसको भी हम हाई फ्लेम पे एक मिनट अच्छे से सॉटे कर लेंगे इसके पनीर के साथ ये सॉस को, जिससे कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है हमारा, बिल्कुल तैयार हो गया। हम गैस ऑफ कर देंगे और इस टाइम पे हम, मैं थोड़े से स्प्रिंग अनियंस मैंने काट के रखे हुए हैं, थोड़े से वो स्प्रिंकल कर दूंगी और थोड़ा सा हम इंडियन टच भी तो देना है हमने, तो हम थोड़ा सा इसमें धनिया डाल देंगे। बस ये हमारा तैयार हो गया है चिली पनीर, हम इसकी प्लेटिंग कर देते हैं। अगर आपको थोड़ी देर जो डबल फ्राई नहीं करना तो ये इंस्टेंट बहुत ही 10 मिनट में आपका चिली पनीर रेडी हो जाएगा, तो इसको बनाइए, ट्राई करिए। और इसकी चलिए मैं प्लेटिंग कर देती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा चिली पनीर, ड्राई चिली पनीर रेडी हो गया है और इसको आप बनाइए, ट्राई करिएगा। इसको देखिए मैंने तो आज इसको चिली पनीर बनाया है अपने यहाँ, मैंने ये देखिए हक्का नूडल्स के साथ बनाया है। आप ये देखिए इसका कॉम्बिनेशन। हक्का नूडल्स की रेसिपी भी मैं आपको जल्दी ही दूंगी अपने यूट्यूब चैनल पर। आप ये देखिए बनाइए, आपको कैसा लग रहा है मेरे वीडियोस तो आप ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और आप देखते रहे मेरे वीडियोस को। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।